हेलो फ्रेंड्स, आपने तो मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा। उसमें बहुत ज़्यादा देर हो गई, ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बना के डाला है। तो मैंने बोला था ना, हम कहीं जा रहे हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कहाँ। आप मेरे साथ साथ चलिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि दूर से वो सारी नारियल दिए बनाना सब देखते हुए हम एक मंदिर में जा रहे। मंदिर मतलब अस्थाई मंदिर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप चलिए देखते हैं। आपको तो पता होगा ब्रह्मपुर फेमस ठकुरानी जत्रा उड़ीसा का फेमस है, तो वहाँ पे वही अभी चल रहा है। 15 दिन हो गए हैं मैं आई हूँ माँ के दर्शन के लिए। हमने दिए खरीदे, दिया जला दिया है। यहाँ पे सारे सुबह, तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे तो बस माँ के दर्शन चलता ही रहता है, पर सिर्फ रात को 3 से 4 बजे तक ही कुछ ऐसा बंद रहता है, पर रात भर चलता ही रहता है। यहाँ पे मेरे एक भैया और भाभी मिल गए थे, तो हम उन्हीं से बात कर रहे थे, तो हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस मंदिर के बारे में। तो ये हम जाएंगे अभी क्यू में, मंदिर में माँ के दर्शन करेंगे। माँ के मतलब ये माँ अपनी मायके आती है, ये रिचुअल जो है ना, 2 साल में एक बार माँ अपने मायके आती है, तो यही रिचुअल। अभी माँ अपने ससुराल से मायके है, उनका मायका भी मैं दिखाऊंगी। मायके के बाहर माँ का एक अस्थाई मंदिर बना के वहाँ पे माँ को रखा जाता है, और सारे लोग माँ से मिलने आते हैं। जैसे कि हमारी घर की कोई बेटी आती है, तो कैसे हमारे सारे रिश्तेदार इनसे आपसे मिलने आते हैं, वैसे ही ये भी वैसा ही है। ये पूरा 1 महीने चलता है, पर मैं सॉरी आपको 15 दिन बाद उनसे मिलाने के लिए आई हूँ। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, पर आ नहीं पा रही थी, मैं भी नहीं आ पाई थी। तो चलिए आज हम माँ से मिलते हैं। मैं क्यू में खड़ी हो गई हूँ। ये लेडीज़ लाइन है, और बीच वाला छोड़ के उसके अगले वाला जेंट्स लाइन है। वो बीच वाले ना माँ मतलब जो कोई माँ को प्रसाद चढ़ाने आते हैं, और जो कोई माँ को ना वो बस वेशभूषा बहुत पसंद है, मतलब कोई भेष मतलब वो जो माँ को वेशभूषा मतलब माँ को सबसे ज़्यादा तो वो बाघर नाटक बहुत पसंद है। बाघर नाटक मतलब टाइगर डांस। आप गूगल पे कहीं भी ठाकुरानी यात्रा या बाघर नाटक कुछ भी करेंगे ना, उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो आज आपको ओवरऑली सब बता रही हूँ। अभी एक मतलब वो क्या ग्रुप आ रहा है, ग्रुप मतलब अभी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हमारे उड़ीसा में दंडो नाच, वो भी एक रिचुअल होता है। वो मतलब काली माँ होती है ना, काली माँ, दंडो मतलब पनिश, उसका मतलब वो है, पर उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है। वो आज ख़त्म हुआ है, इसीलिए वो सारे लोग माँ को भोग चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। देखिए वो कितना बड़ा भोग प्रसाद लेकर आए हैं, मतलब वो बीच वाला जो होता है इसी स्पेशल कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ों के लिए होता है। मतलब वो बीच वाला ऐसा नहीं है कि VIPs के लिए, वैसा कोई नहीं, वहाँ पे सब लोग नॉर्मल है। अगर कोई मिनिस्टर भी आता है तो वो क्यू में ही जाता है। बहुत सारे चढ़ावे आए हैं उनके यहाँ से, इतने सारे लोग आए हैं कि वो बस 15-20 मिनट तक वही चलता रहा। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक बैकग्राउंड ऑफ नहीं किया है, क्योंकि अगर जब वो चल रहा है ना, तो आपको वो फील आएगा कि आप जैसे कि आप हो वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कोई म्यूज़िक दे दूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप भी फील कीजिए कि वहाँ पे फील कैसा होता है। वो जो उनका साउंड रिदम वो है ना, मतलब आदिवासी ट्राइबल जैसे म्यूज़िक होता है, वैसा ही कुछ है, पर उसका भी कुछ फील अलग ही है। मैं माँ के दर्शन के लिए क्यू में तो खड़ी हूँ, पर थोड़ा सा ज़्यादा ही क्यू है, पर पास तो आ चुकी हूँ मैं।
और मेरे हस्बैंड तो दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहे क्योंकि जेंट्स क्यू थोड़ा ज़्यादा ही है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, माँ के दर्शन कराती हूँ मैं आपको, देखते हैं कितना। यहाँ पे फोटोग्राफी में कुछ ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पर हमें वैसा मौका मिलना बहुत मुश्किल है जो कि हम उनका वीडियो बना सकूं। सॉरी मेरा हाथ थोड़ा बीच में आ रहा है। वहाँ पे कुछ बहुत सारे पंडित भी हैं मतलब जो पूजा करते हैं। ये वक्त तो उनका तो लॉटरी है बस। हाँ देखिए वहाँ पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, वो मतलब उड़िया में लिखा है, उड़िया नहीं वो तो हिंदी में ही है शायद। ओम तो किसी को भी पता चल जाएगा, वही वो जो है ना वही माँ का, वही पंडाल माँ का है। वो एक मटका होता है, मटके के ऊपर, मटके के अंदर एक फूल की माला होती है जो कि मतलब एक महीने तक वैसे ही रहता है। जिस दिन माँ अपने ससुराल से आती है वो माला माँ की परमिशन समझकर लाते हैं, एक महीने तक वो पूरा वैसे ही फ्रेश के फ्रेश रहता है, वैसा मानना है। मैंने तो कभी देखा नहीं, वो बस उनके मायके वाले ही, वो पुजारी और उनके मायके वाले ही वो सब उनके पास जाते हैं, माँ को हर रोज सजाते हैं, करते हैं, वो सब करते हैं। और शाम को माँ घूमने भी वो बाहर मतलब उनके मायके के पास जितने भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो शायद स्ट्रीट बोलते हैं, वहाँ बहुत तकरीबन 10 से 20 जगह घूमने जाती, एरिया स्ट्रीट बोलते हैं ना उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती। अभी तो माँ के दर्शन हो गए तो मैं निकल रही हूँ। हाँ तो वो घूमने जाती है और घूम कर आती है वहाँ पे माँ के वो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया को जाते हैं वहाँ पे उनके पैर भी धोए जाते हैं। और वहाँ पे मुझे एक पंडितों में से एक पंडित जी ने मेरा हेल्प किया, उन्होंने माँ की वो पूरा वीडियो थोड़ा सा जो बीच में डाला था ना मैंने वो उन्होंने बना के दिया था मुझे। और मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ कैमरा में और मैं उनके मायके की सीढ़ियों पर ही हूँ, माँ के मायके की सीढ़ियों पर ही हूँ। वो जब आएंगे तो मैं उनके मायके के अंदर भी आपको लेके जाऊँगी मैं आपको। देखिए कितना क्यों, अभी रात के 12 बज रहे हैं, कोई बोलेगा कि अभी रात के 12 बज रहे हैं, देखिए कितने मतलब कितने तादाद में लोग होते ये भी नहीं पता। वो जो मैंने बीच में बताया था ना आपको कि वो मतलब वो दोंडो नचो का ग्रुप आया है, वही सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मतलब माहौल इतना खुशनुमा होता है ना जब वहाँ पे हम घूम के आते हैं, जैसा लगता है कि हम जैसे मायके में जाते हैं जैसा फील होता है वैसा ही फील होता है। मतलब वो रिचुअल इतना अच्छा, ये रिचुअल मतलब जो बेटी ससुराल में होती है मायका जाता है वो वहाँ पे जैसे खुशनुमा माहौल हो जाता है बन जाता है वैसा ही फील होता है। मतलब ये रिचुअल करीबन 200 से 300 साल पुराना है, मतलब ये फीलिंग में बता नहीं सकती कि क्योंकि भगवान ने भी इसे उतना ही ऊंचा दर्जा दिया है कि एक बेटी जब ससुराल से मायके आती है ऐसा वाला फील बता नहीं सकती। इस बीच कोई भी बेटी कहीं पे भी हो, माँ अपने मायके आई है तो सारी बेटियाँ जितने भी हमारे ब्रह्मपुर की बेटियाँ होती है ना, जितने भी बाहर के गांव में होती है ससुराल में होती है, उस बीच मायके आना वो यहाँ का मतलब नियम जैसा बन गया है। सारे मायके वाले अपनी बेटियों को बुलाते हैं, आओ हमारे यहाँ पे जत्रा हो रहा है, इस बीच भी आके थोड़ा रुक के जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट करते हैं ससुराल वालों को, वो भेजते ही है, भेजना पड़ेगा उन्हें। अब मैं आई हूँ माँ के मायके के अंदर, वहाँ पे भी सारे लोग दर्शन मतलब बाहर तो दर्शन करते हैं पर मायके के
अंदर भी माँ का जो बेडरूम है ना वो है माँ का रूम। यहाँ वहाँ पे उसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं, पर वहाँ ऊपर माँ की फ़ोटो है, वहाँ पे माँ की फ़ोटो है, वो मोर का पंख है, वो ये दान पेटी है। वहाँ पे हमेशा सब लोग बाहर दर्शन करते हैं और आके अंदर भी माँ के दर्शन करके सिंदूर लगा के माथा टेक के जाती है। हाँ, अब हम बाहर जा रहे हैं। वो अभी जो मैंने देखा ना, वो वहाँ पे खड़े थे, वो है माँ के भाई, वंश उनके पुराने वंशज है, पर हिसाब से उनके भाई ही कहलाएंगे। अब चलिए थोड़ा घूमते हैं बाहर, देखिए कितना लाइटिंग है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो माँ का मंडप जहाँ से शुरू होता है वहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर तक ऐसे ही ऊपर, मतलब धूप होता है, बारिश होता है, जो कुछ होता है, उससे बचने के लिए लाइट, फैन और कुछ पत्ते वगैरह भी सारे डले हुए होते हैं। वो उनका ये जो सारा सब कुछ जो संभालते हैं ना, वो उनके माँ के मायके वाले और पूरा गवर्नमेंट, ओडिशा का गवर्नमेंट, ब्रह्मपुर म्यूनसिपालिटी, सब सारे मिलकर ही ये सारे संभालते हैं। इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। हाँ, पुलिस वाले भी होते हैं और क्या, पानी मतलब धूप होता है तो पानी वगैरह की भी, बहुत सारे लोग सोशल वर्किंग भी बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा ही। चलिए घूमते हैं, यात्रा घूमते हैं। अभी तो और भी 15 दिन बाकी है, और अगर 15 दिन में हो सके मैं फिर कभी आऊँगी तो फिर आपको घुमाने लाऊँगी। चलिए थोड़ा घूमते हैं। मम्मी, अगर आप भी देख रहे हो तो आओ, हम भी मिल के रात को घूमने जाएंगे। मिस नहीं करती आप ये सब? करते हो ना, तो जल्दी आओ, घूमने जाएंगे हम। देखो क्या क्या खिलौने बिक रहे हैं, कितने सारी खाने को चीज़ें बिक रहे हैं यहाँ पे। आई रात में इतने सारे लोग होते ना यहाँ पे, कोई खाना बिना खाए हुए आए तो कोई परवाह नहीं। वो ये सीज़न है मैंगो, जैक फ्रूट और बहुत जो फ्रूट्स बिकते हैं वो सब मिलता है, चाट मिलता है, सोडा बना के देते हैं। और मतलब ये सीज़न ना बिजनेस के लिए भी, जितने लोग होते हैं बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा होता है। बहुत दूर दूर के गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, साइड में उनका स्टैंड लगाते हैं, देखिए कितने सारी लाइट्स जल रहे हैं। मुझे यहाँ पे घूम के मैंगो खाना बहुत पसंद है। मेरे पति आगे आगे चल रहे हैं तो वही देख रहे हैं, मैं पीछे कहाँ रह जाती हूँ, वही देख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा घूमते हैं।
Thank you.